बागरदा बाजार जिले के भटगांव में कन्याशाला के पास स्थित 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग से होटल, इलेक्ट्रॉनिक दुकान और टायर दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची भटगांव पुलिस आग बुझाने में जुटी है। प्राप्त जानकारी अनुसार बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास भटगांव बस स्टैंड की 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना पड़ोसियों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नागरिकों की मदद से आग पर काबू करने की मशक्कत की, तो मुश्किल आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इन 3 दुकानों से लगभग 6 से 7 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं नगर वासियों में रोष देखने को मिला। नगर वासियों और पीड़ितों का कहना था कि यदि बिलाईगढ़ ब्लॉक में दमकल की गाड़ी रहती तो आग पर जल्द काबू पाया जा सकता था और नुकसान होने से बच सकता था। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए क्षेत्रवासियों के लिए स्थायी तौर पर दमकल की व्यवस्था की जाना चाहिए, क्योंकि 15 दिनों के भीतर बिलाईगढ़ ब्लॉक में आग की यह 3री घटना है। वो आने के बाद पुलिस आया, पूरी जल गई थी। अब पूरी जल गई थी। कितने लागत की सामान थी आपकी? 4 लाख के। यहाँ पर अगर दंगल गाड़ी होती तो क्या आग पर काबू पाया जा सकता? हाँ, पाया जाता। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।